हेलो, हेलो। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, टीवी देख रही थी। आप क्या कर फ्री थे? अरे रहे हो? हाँ, फ्री थी। तो फ्री हुआ करो, तभी कॉल कर लिया करो, अपने बेबी से को याद कर लिया करो। मैं आपको कॉल करूं तो मेरे भाई बोले कि दीदी क्या कर रही हो। फिर मैं क्या कहूंगी, मैं क्या कर रही हूँ। अभी जब बात कर रहे कॉल हो फिर आता है ना, अभी अभी बात कर रहे हो फिर भाई ने पूछता कि दीदी क्या कर रहे हो? नहीं एक्चुअली क्या है ना, उसके पास फोन रहता है तो आप कॉल करते हो ना, तो मैंने नंबर ऐसे सेव किया है जैसे कि मेरी फ्रेंड के नाम से है। तो वो जब भी कॉल आता है ना तो कहते दीदी ले तेरी फ्रेंड का फोन आ रहा है। और मैं कहूंगी ला मुझे कॉल करना है, तो कहेगा क्या तुझे कॉल करना रहता है पूरे दिन, जब भी मैं मोबाइल छूता हूँ ये वो कहने डीगा। मतलब वो बहुत बकवास करता है सब वो। बहुत ही घिसा पिटा और पुराना और वाहियात किस्म का बहाना था जाना। बाना अच्छा नहीं, सुनो बात ना, बोलो ना। तो मेरा भी तो मन करता है कि कभी आपका भी कॉल आए, फिर मैं प्यार से बात करूं, तो मैं करती कभी क्या आप हूँ भी मुझे आपको मिस कॉल? अब करो। बहुत कम करते हो ना, जब भी बहुत कम टाइम क्या, मिलता है, बिल्कुल ही कम करते हो। तब कर तो लेती हूँ ना। क्यों, मेरा ही मन होता है ना, मैं आपको मिस करता हूँ। मेरा कभी कभी मन होता है जैसे ही मैं आपको मिस करूँ और तुरंत देखूँ तो अरे आपका ही फोन आ रहा है, फिर मैं बोलूँ जाना मैं आपको ही मिस कर रहा था और आपका फोन आ गया। लेकिन आप ऐसा बोलने ही तो नहीं हो देते हो। सकता है कब हो सकता है बताओ? जब मेरे घर पे कोई ना हो तब। आप जरूरी थोड़ी ना, जब आपके घर पे कोई नहीं होगा मैं आपको तभी मिस करूँ, ये भी तो पॉइंट वाली बात है ना। मतलब आप मुझे कभी कभी मिस करते हो, हमेशा नहीं करते हो ऐसा? अरे मतलब हमेशा करता हूँ, लेकिन जब ज्यादा मिस करूं तो जरूरी थोड़ी ना है कि उसी टाइम ज्यादा मिस बट ना करूं। अरे मैं बहुत ट्राई करती हूँ कॉल करूँ कॉल करूँ, पर मेरा राक्षस जैसा जो भाई है ना, भाई के बारे में ऐसा नहीं बोलते, भाई तो नहीं छोटे से सीरियसली प्यारे राक्षस से है होते हैं। वो। हाँ वो होते दूर से हैं ये। देखने में होते हैं, वो दूर से देखने में छोटे से क्यूट से प्यारे से होते हैं बस। अब भाई अगर अपनी बहन को तंग नहीं करेगा तो किसको करेगा? ये भी सही बात है। जीजा अच्छा जी एक को बात पूछूं, भाई मत पूछो। की बातें करने के लिए फोन किया था आपने? फिर नहीं, आपकी बातें सुनने के लिए फोन किया था, अपनी सुनाने के अच्छा लिए फोन किया था। आपने तो सुनाइए फिर अपनी बातें। मुझे बातें सुनानी है कि मैं आपको थोड़ा सा नहीं बहुत सारा प्यार करता हूँ, मैं भी आपको बहुत 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 सारा करती हूँ। और मैं आपसे इतना प्यार करता हूँ इतना जिसकी कोई भी लिमिट नहीं है। मुझे कुछ पता ही नहीं था। अब पता चल गया ना। अच्छा सुनो, एक बात पूछूं बोलो आपसे, पूछो। अगर कभी लाइफ में आपको कुछ पता चलता है किस बारे में? मेरे बारे में, आपको कुछ पता चलता है, तो क्या आप मुझे उस टाइम, मतलब कोई मेरी गलती पता चलती है आपको कि मैंने गलती की है, तो आप मुझे उस टाइम छोड़ दोगे या मेरा साथ दोगे? ऑब्वियसली साथ दूंगी। मतलब अगर मेरी गलती थोड़ी बड़ी हुई हो तो तब क्या, कुछ गलती मतलब करी है क्या आपने? करी नहीं है बाबा, रिलेशनशिप में ये चीज पूछ ली तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना, कि हर रिलेशन में इंसान माइनस प्लस थोड़े बहुत हो जाते हैं ना। तो मैं पूछ रहा हूँ अगर फ्यूचर में कभी मुझसे जो आपसे गलती हुई तो क्या हमारा प्यार मतलब इतना स्ट्रांग है कि हम उस गलती को भुला के एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लें और गले से लगा लें? हाँ हम दोनों एक्सेप्ट कर लेंगे, मैं तो कर लूंगी, आपको पता नहीं। मैं तो कर लूंगा, मेरी तरफ से तो वही कोई मैंने बोला, प्रॉब्लम मैं नहीं तो है। कर लूंगी, आपका पता नहीं है। हाँ तो मैं भी तो वही बोल रहा हूँ, बिकॉज यार रिलेशनशिप इतना तो हमारा मजबूत होना चाहिए ना वैसे बच्चा। वैसे हाँ आप गलती करोगे नहीं? गलती में दो जानबूझ के तो कोई गलती नहीं करता ना, और कोई तो झूठ भी गलती से भी गलती बोलेगा, नहीं करता कोई। आई नो, बट अगर कोई झूठ बोलेगा कुछ भी बात होगी तो हो सकता है कोई मजबूरी हो या कुछ भी हो। नहीं अगर देखो देखो देखो, मुझे गलती पता चली कि आपने गलती करी, अगर वो गलती मजबूरी में होगी तो आई अंडरस्टैंड, और वो गलती जानबूझ के होगी ना फिर मुझे बहुत सारा गुस्सा आ जाएगा, ओके बहुत सारा। मेरा गुस्सा दिखा नहीं आपने, बहुत 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 ज्यादा वाला आता है मुझे। एक ना एक दिन तो आपके गुस्से का सामना करना ही पड़ेगा ना, है हाँ ना? बिल्कुल। बिकॉज जब प्यार करते हैं, कपल मिलते हैं, तो कोई ना कोई तो ऐसी सिचुएशन आती है जहां पे सामने वाले के गुस्से का शिकार होना ही पड़ता है। हाँ सही बात है। तो टेंशन मत लीजिए, आपका जितना भी गुस्सा होगा हम झेल लेंगे, बस एक प्रॉमिस करोगे कि छोटा सा बोलो।
आप अगर कोई हमसे फ्यूचर में गलती हो, ठीक है, जॉब से हो, तो आप गुस्सा कर लेना जितना आपको गुस्सा करना है, जितना ज्यादा गुस्सा करना है, 2 दिन बाद मत करना है, 1 हफ्ते बाद मत करना, नंबर भी आप ब्लॉक कर देना, ठीक है, और काफी सुना भी देना, ठीक है, बहुत कुछ बोल देना, काफी सुनाना, 2 3 दिन बाद मत करना, मुंह भी फुला लेना, ठीक है, चांटा वाटा ही मार देना, बट प्लीज कभी छोड़ के मत जाना। तो आप कोई गलती करने वाले हो क्या? पहले से बता रहे हो? पागल, मैं सिर्फ फ्यूचर की बता रहा हूँ, अगर कोई गलती हो गई मुझसे तो आप कुछ भी कर लेना, बट प्लीज छोड़ के मत जाना, बिकॉज आई रियली लव यू यार। पता नहीं इतने कम टाइम में कैसे आपसे इतना प्यार हो गया, बट हो गया आपसे, और काफी ज्यादा प्यार हो गया आपसे, और आपके बिना रहना नेक्स्ट इम्पॉसिबल है यार। देखो, आप मुझसे प्यार करते हो और आपको बताया कि मुझसे गलती बर्दाश्त नहीं होगी, तो आपकी तो आप खुद से गलती नहीं करोगे। गलती कोई जानबूझ के करता है क्या पागल? भी फिर भी आप गलती करोगे नहीं? आई नो, मैं गलती नहीं करूंगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा गलती ना हो, लेकिन अगर गलती हो जाती है तो इंसान को क्या इंसान चाहेगा कि वो ऐसी गलती करे और सामने वाला उसको जो से वो हद से ज्यादा प्यार करता है उसको हर्ट हो? नहीं। तो फिर मैं अपनी तरफ से थोड़ी ना कोई ऐसी गलती करूंगा जिससे आपको थोड़ा सा भी हर्ट हो, बस मैं तो एक बात कह रहा था। अच्छा, बिकॉज साथ तो रहेंगे, साथ तो रहोगे ना आप, बिल्कुल। मैं आपको छोड़ सकती हूँ क्या? श्योर ना? अगर लाइफ में कभी कोई भी बात पता चली तो आई तो मैं होप आपको छोड़ सकती हूँ क्या? आपको नहीं, लगता है मैं ऐसा? आपसे पूछ रहा हूँ ना, मैं आपको कभी नहीं छोड़ सकती। श्योर ना बच्चा? श्योर? ओके, बस यही सुनना था, और और क्या? बताइए कुछ। हाँ, और अगर वैसे आपसे भी गलती हो गई तो ही मैं माफ कर दूंगा, बट उस टाइम मैं भी थोड़ा गुस्सा करूंगा ना, थोड़ी फुटेज वगैरह खाऊंगा, ठीक है ना? हाँ, क्यों नहीं, मैं गलती करती भी नहीं हूँ, ठीक है ना? कोई ना कोई तो करोगे ना एक ना एक दिन, तब मैं जी थोड़ी नहीं, मैं फुटेज तो नहीं वगैरह करूंगी। खाऊंगा, तो मैं थोड़ा चिल्लाऊंगा, थोड़ी फुटेज खाऊंगा, और अच्छी तरह गुस्सा भी करूंगा, फिर 1 2 दिन बात भी नहीं, 1 2 दिन तो मैं भी नहीं रह पाऊंगा बात करे बिना, 1 2 घंटे, हाँ 1 2 घंटे बात भी नहीं करूंगा, अच्छा, फिर शर्त भी रखूंगा कि अभी ये शर्त है, ये शर्त है, ये शर्त आपको मंजूर हो तो बताओ, और फिर वो मंजूर भी करनी पड़ेंगे आपको, बस आई एम वेटिंग कि आप कोई गलती करो, मेरे को ये सब करने का मौका मिले। या मैं कोई गलती करती नहीं हूँ। कभी ना कभी तो होगी ना, इंसान गलतियों का पुतला होता है जाना। नहीं तो आप कैसे कुछ काम करो ही नहीं जैसे गलती हो। हाँ अच्छा जी, जी, चलिए जी, देखते हैं फिर। देख लेना आप। अच्छा सुनिए, बोलिए। वैसे मैं सोच के रहा हूँ, मैं अपने बच्चे का नाम कह रहा हूँ, अभी से बच्चे की प्लानिंग? आपने सुना नहीं है टीवी पे ऐड आती है, फ्यूचर प्लानिंग कर लेनी चाहिए पहले से। ओ, मैं सोचा इंश्योरेंस भी करवा लूँ अपना, अपना अभी से आपका पहले और अपने बच्चे का, तीनों का। अभी बात करी नहीं, घर में इंश्योरेंस वगैरह आपका आ गया? हाँ, घर में ही तो मुझे नहीं बता दी ना कि ये भी घर वाली भी मैटर आता है। चलो चलो, वो तो सॉल्व हो नहीं, ये जाएगा। तो सबसे पहले आता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अरे वो तो सॉल्व हो जाएगा, कुछ की कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कैसे सॉल्व हो जाएगा फिर आप मुझे बताएंगे? अरे बिकॉज देखो, हर फैमिली चाहती है कि जो उसकी बेटी को, मतलब जो वो क्या बोलते हैं यार, हस्बैंड मिले, मतलब पति देव मिले, तो वो काफी अच्छा हो, उसकी अच्छा। उनकी बेटी का ध्यान रखे, एंड सबसे बड़ी बात क्या होती है, हाँ उनकी बेटी का ध्यान रखे, और उनकी बेटी का ध्यान रखे, हाँ कैरिंग हो और रिच हो और दिखने में भी अच्छा हो, ठीक है ना? बट एक बात बताऊं, मुझे तो ऐसा हस्बैंड मिल गया। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ, आपको ऐसा हस्बैंड मिल गया तो आपकी फैमिली को भी ऐसा चाहिए, तो उनको भी ऐसा मिल जाएगा, आपको सिंपल। पता है क्या मिल गया मुझे? कौन है? कौन है? हमने बोला तो ऐसे क्यों मिल गया, मुझे पता मैं है हूँ, आप। मेरे अलावा और कौन है? जरूरी है क्या? और कौन है फिर? मतलब जरूरी है क्या? नहीं तो बताओ ना फिर, और कौन है मेरे अलावा, है कोई स्पेशल? कौन है? है ना कोई? उसका मुंह सा तोड़ देना शीशे में डल के, नहीं, वो बहुत स्पेशल है, ठीक है ना? वो तुम्हारा मुंह तोड़ देगा। जल्दी बताओ कौन है मेरे अलावा। बता दो। नहीं, रहने दो, अरे बताओ जल्दी यार, वो मेरी हार्ट बीट तेज हो रही है मैं नहीं बता रही, मेरा मन नहीं कर रहा। यार, प्लीज ना, हार्ट बीट तेज हो रही है, जल्दी बताओ।
तेज होने दो, उसे मैं बताऊंगी ही नहीं। दिल फट जाएगा, ब्लड की सप्लाई बहुत तेज होने रहेगी, माइंड माइंड खत्म हो जाएगा, जो मैं मर जाऊंगा बेकार। जल्दी बताओ, शराब ऐसी बात मत क्या करो। तुम्हें जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, मतलब आपके जल्दी घर में जल्दी मिरर जल्दी है जल्दी क्या, जल्दी। बता दो। रे हो, ये पंचायत में भी आती है। आपके घर में मिनर है क्या? आप उसके सामने जाओ, और अब जो आपसे मिलने वाला है वो मिनर के सामने खड़ा है। ये मुझे भी आता है, ठीक है ना भैया? बट अच्छा जोक था। मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है, फोन रख दो। अच्छा, ठीक है ना, सॉरी ना, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है, फोन रख दो। रख चोरी दो चोरी फोन, चोरी। नहीं करनी मुझे बात, नहीं बात ही नहीं करनी है। चलो बाय, मैं अभी वैसे ही फोन रखने वाला था, बिकॉज मम्मी को कुछ काम है तो जा रहा हूँ। क्यों इतनी जल्दी? जल्दी नहीं है, मैं इतनी देर बात कर ली जाना, फिर भी घर के काम भी तो जरूरी है। फिर भी हर बार ही घर के काम ही करते रहोगे क्या? आप तो करते नहीं हो, क्यों नहीं? आपका मैं कभी सुना नहीं कि उमंग मैं रोटी बना रही हूँ, बाद में फोन करती, बाद में बात करती हूँ। उमंग मैं कपड़े धो रही हूँ, बाद में बात करती हूँ, कभी नहीं ठीक है, सुना? पंचायत कम करो, और आपकी मम्मी बुला रही है ना, आप जाओ। ठीक है ना, हाँ बोलो बाय बोलो बोलो, अब बोलो, नहीं बोलो बोलो, बाय। नहीं जल्दी बोल रहे थे आप, कुछ जल्दी हो रहा था। नहीं मैं ये बोलूं बाय चलो बाय, लव यू। अभी तो और मेल आओ ये आपकी लाइफ में आया ना, क्या बास्केटबॉल मुंह पे मार दूंगा उसको। आएगा आएगा आएगा। पता है कौन आएगा? हाँ मुझे पता है, ये भी डायलॉग कौन मुझे पता है, आएगा? छोटा सा बेबी। आपको पता है? आई एम इंटेलिजेंट बॉय ना, थैंक दिख रहा है। यू। चलो बाय। है हेलो 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 हेलो, हेलो, क्या क्या हो गया था? पता? आवाज आवाज बैठ गई थी क्या आपकी? नहीं तो, मैं तो सब सही था। अच्छा, चलो चलो, बाय बाय बाय, बाय। लव यू। तो